इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बॉर्डर पर बैठे नकली किसानों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर के आसपास के ग्रामीण लामबंद हो गए। तो वहीं अब गाजीपुर बॉर्डर पर भी कुछ गांवों के लोगों ने बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। गाजीपुर के पास राजपुर गांव के लोगों ने 72 घंटे में बॉर्डर खाली करने की चेतावनी टिकैतन कंपनी को दे दी है। राजपुर गांव के लोगों ने कहा है कि बुधवार सुबह 9 बजे तक अगर बॉर्डर खाली नहीं हुआ तो गाजीपुर के 70 गांवों के लोग ट्रैक्टर से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। साथ ही लाठी डंडों के जोर पर नकली किसानों को गाजीपुर बॉर्डर से हटाने की बात कही गई। टिकैतन कंपनी को ग्रामीणों का अल्टीमेटम सामने आ रहा है, जहां राजूपुर गांव के लोगों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। याद हो आपको, टिकैत जिस तरीके से अपनी राजनीतिक जमीन तलाश है, इसको लेकर टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने अल्टीमेटम दिया था। और आज वो तस्वीरें भी देखने को मिली जहां लोग सड़कों पर उतर आए। बुधवार सुबह 9 बजे तक बॉर्डर खाली करने की चेतावनी गाजीपुर बॉर्डर पर भी ग्रामीणों ने दी है, स्थानीय लोगों ने दी है। और नहीं हटने पर 70 गांव के लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। ग्रामीण अपने दम पर गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवाएंगे। इससे पहले पुलिस प्रशासन लगातार इन्हें समझाने की कोशिश करता रहा, सरकार बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अब लोग खुद इस बॉर्डर को खाली करने का बीड़ा उठा रहे हैं। अकेश टिकैत को लेकर के यूपी, हरियाणा तमाम राज्यों के किसानों में भारी नाराजगी है, खासकर वो किसान जिनको हम असली किसान बोल रहे हैं और जिनके पास जी हिंदुस्तान की टीम लगातार जा रही है। हितेन, हमने कई तस्वीरें देखी, हम जेवर के गांव गए थे, हम अब पलवल के गांव पर पहुंचे हैं। और देखिए, किसानों को लेकर ये बात कहा जा रहा है कि असली किसान राकेश टिकैत के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, जबकि असली किसान वो है जिनके पास हम लगातार पहुंच रहे हैं। और देखिए, पलवल के राजूपुर गांव के तमाम किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनके अंदर भारी आक्रोश है राकेश टिकैत को लेकर। ये तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए भड़काऊ बयान दे रहे हैं इन्होंने। मैंने पहले भी बताया था, अगर ये नहीं हटते तो 72 घंटा का अल्टीमेटम दिया है हमने। मैं अपने साथ, मेरे साथ में कम से कम 2000 ट्रैक्टर लेके चलूंगा मैं, और वहां जाएंगे। जब देखते राकेश टिकैत आकर हमसे मिले क्यों ना, ये मिले आके डिबेट पे आए, लेकिन ये डिबेट पर नहीं आते, ये तो भड़काऊ बयान देकर पंचायत करते हैं। और पंचायत भी वहां करते हैं जहां इनके अपने दलाल बैठे हुए हैं, जहां दलाली कर पैसा बांटकर वहां पंचायत गोल करते हैं। मैंने पहले भी अभी डिबेट में बैठा था मैं, आपने वो मलिक था, मैंने मलिक से बोला था आप जेवर में या हरियाणा के किसी भी गांव में, ये पलवल गांव के जो गांव है 20-25 गांव, इसमें एक भी पंचायत करके दिखा दो तो मैं इनका गुलाम बन जाऊंगा। मैंने पहले भी बोल दिया, और अब मैंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, और 72 घंटे बाद मैं अपने हाईवे से निकलूंगा सीधा गाजीपुर। गाजीपुर के दिन सुबह 9 बजे, क्या आप लोग भी सब साथ में जाएंगे गाजीपुर खाली कराएंगे? सब साथ, सब ट्रैक्टर लेके बलवा के जाएंगे हम। इतना गुस्सा क्यों है राकेश टिकैत? राकेश से यू गुस्सा है कि राजनीति कर रहा है और किसानन के हक में तो बोल रहा है। किसानन की जो मांग है जाए जो उन्होंने दी मांग है तो सरकार भी दी, अब सरकार के विधान से लड़ रहा है। एक बार कैमरा पैन करके दिखा दे कि हम गांव में ही हैं, ताकि इतने किसी को कंफ्यूजन ना हो कि हम गांव में नहीं, हम गांव में ही हैं, राजूपुर गांव है, इनके सरपंच ये हैं। सरपंच जी बताइए, यहां पे भी लोभ दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि आप आइए बॉर्डर्स पर? देखो ऐसा है जी, असली किसान के पास तो टाइम ही नहीं है, गेहूं की भराई चल रही है, ईख की कटाई चल रही है, अपने चौपड़ों काम काज में लग रहे हैं। अब किसान वहां जाएगा या यहां रहेगा अपने काम में देखेगा? वो तो कह रहे पेट्रोल डीजल भरवाइए, कहां से, ऐसा कोई नहीं जाएगा। अभी तक लगभग 4 महीना है गया है इसे, हमारे खादर में लगभग 18-19 गांव है, 18-19 गांव में तो एक भी किसान कहीं नहीं जाता, कहीं पर भी नहीं पलवल जाता, ना दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जाता है। देखो इन्होंने बिल्कुल ही सरकार के खिलाफ कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, और इन लोगों को इस चीज पे ये ध्यान रखना चाहिए, और जो लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग इनके साथ आ रहे हैं, इन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए बुलवाए गए हैं। मानेंगे अब तो पूरा जो है, हम तो जान की बाजी लगा के खरवांगे खत्म। तो आप सब लोग क्या जाएंगे 72 घंटे बाद? हम इन लोगों को यहाँ से 200 ट्रैक्टर है, 200 के 200 ट्रैक्टर ने 200 ट्रैक्टर है, और 200 के 200 ट्रैक्टर जाएंगे। एक युवा वो है जो हमने लाल किले की हिंसा के दौरान देखा, और एक युवा ये है जो कह रहा है नहीं, अपनी छवि बचानी है, छवि बचानी है, और लाठी डंडों के साथ छवि बचाने के लिए निकलेंगे सड़कों पर अगर खाली नहीं करेंगे तो, ये यहाँ का कहना है। आगे और भी गांव में लोग क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, ये पूरी तस्वीर जी हिंदुस्तान आप तक पहुंचाएगा। इस वक्त पलवल के राजूपुरा गांव से ये रिपोर्ट, राजूपुर गांव से ये रिपोर्ट आपने देखी कि लोग राकेश टिकैत की राजनीति अब समझ चुके हैं, राकेश टिकैत की राजनीति अब और नहीं चलेगी। और देखिए रियलिटी चेक हमने पलवल के कई गांव से किया, जेवर के कई गांव से किया, तो रियलिटी हरियाणा और यूपी के कई गांव में यही है। 72 घंटे का अल्टीमेटम है, उसके बाद सोटा लाठी डंडा सब लेकर ये निकलेंगे सीधे गाजीपुर के लिए। हितेन और मेरे साथ प्रदीप चहल के साथ हर्षद उमानी, जी मीडिया पलवल से। किसानों का गुस्सा नजर आ रहा है क्योंकि लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसान भी ये समझ गए कि यहाँ पर किसानों के हक की बात होने रही है।